हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो कंटिन्यू करते हैं हमारे विजन आई एस पी टी थ्री सिक्सटी फाइव इकोनॉमी की हमारी मैगजीन लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक कवर कर लिया है तो कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में जो सबसे पहला सब टॉपिक है ये है इन्फ्लेशन इन इंडिया देखिए अगर आसान भाषा में मैं आपको इन्फ्लेशन समझाऊं तो आसान भाषा में ये समझ लो कि जब हमारे यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज होते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो रहा है तो आसान भाषा में अगर समराइज़ करूँ तो महंगाई बढ़ने को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है ठीक है क्लियर चलिए अब बात कर लेते हैं वट इज़ इट इन्फ्लेशन इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फिनिना रिप्रेजेंटिंग अ जनरल राइज इन गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस ठीक है इन एन इकानमी ओवर टाइम ठीक है तो जब एक समय में एक गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस है वो इंक्रीज होते हैं तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ठीक है क्लियर चलिए अब अगर बात करें जो इन्फ्लेशन को दर्शाते हैं उनके इंडेक्स के बारे में तो देखिए तीन इंडेक्स हैं जो हमारे यहाँ पे मेजरली इन्फ्लेशन को दर्शाते हैं सबसे पहला होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको डब्ल्यू बोलते हैं फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिर अगला है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जिसको सी पी एफ आई सी एफ पी आई बोलते हैं ठीक है अगर बात करें रिलीज़ कौन करता है तो होल सेल प्राइज़ याद रखना कौन रिलीज़ करता है ऑफिस ऑफ इकनॉमिक एडवाइजर सी पी आई की बात करें तो नेशनल स्टेटिकल ऑफिस जिसको एस एन एस ओ बोलते हैं और जो हमारा सी एफ एफ FPI है इसको भी जो हमारा नेशनल स्टेटिकल ऑफिस जिसको एन बोलते हैं ये रिलीज़ करता है तो ये डिफरेंस ज़रूर याद रखना कि कौन सा जो है इंडेक्स कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है अगर बात करें डब्ल्यू एफ डब्लू पी आई के बारे में इट इज़ बेस्ड ऑन द शेयर रिस्पेक्टिव ऑफ़ द आइटम होल सेल स्केल ट्रांजेक्शन इन द इकॉनमी ठीक है तो याद रखना यहाँ पे स्पेशली जो होल सेल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको डील करता है ठीक है साथ ही साथ अगर बात करें रिलीज की तो ये तो करता ही ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व रहती हैं अगर बात करें सी पी आई में तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन भी इनके साथ रहती है और ये बात करता है कि जो भी हमारा कंज्यूमर एक गुड्स को परचेस करता है ठीक है या फिर कंज्यूम करता है उन सारी चीज़ों को ये डील करता है ठीक है इसको याद रखना है रिटेल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है तो आपसे सिर्फ में डायरेक्टली बोल देगा कि बताइए रिटेल इन्फ्लेशन किसको कहा जाता है आपको चार पांच ऑप्शन दे देगा या फिर तीन चार ऑप्शन दे, दे देगा उसमें से आपको बोलेगा कि बताइए इनमें से रिटेल जो इन्फ्लेशन है वो किसको कहा जाता है तो याद रखना सी को ही रिटेल इन्फ्लेशन कहा जाता है ठीक है और ये इन्फ्लेशन क्या रिफ्लेक्ट करता है द प्राइस मूवमेंट एट द रिटेल लेवल ठीक है तो जो हमारा प्राइस मूवमेंट होता है रिटेल लेवल पे उसको ये दर्शाता है हमारा सी ठीक है क्लियर चलिए अब बात करते हैं ये जो सी एफ पी आई इसको बोलते हैं जिसको मतलब फुल फॉर्म है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स ठीक है इसका क्रोनियम ये है ठीक है सी एफ पी आई इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन द रिटेल प्राइस ऑफ द फूड प्रोडक्ट कंज्यूम बाय द पॉपुलेशन अ ग्रुप गिवन एरिया विद रेफरेंस टू द बेस ईयर ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि आसान भाषा में ये समझ लूँ ये इंडेक्स जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं ठीक है इन अ गिवन पॉपुलेशन या फिर बेस ईयर में ठीक है उसको ये मेजर करते हैं ठीक है और साथ ही साथ इट इज़ रिलीज़ इन द थ्री कैटेगरीज तीन कैटेगरीज में इसको रिलीज किया जाता है सबसे पहला रूरल पे अर्बन एरिया में ठीक है और कम्बाइन इन ऑन ऑल इंडिया बेसिस ठीक है तो तीन एरिया में रिलीज़ किया जाता है सबसे पहला रूरल अर्बन ठीक है और साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया ठीक है तो ये तीन कैटेगरी होती है और ये जो हमारा कब से स्टार्ट हुआ है तो याद रखना 2014 ठीक है और ये जो हमारा बेस ईयर है 2012 रखा जाता है ठीक है, है? क्लियर चलिए अब बात कर लेते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ डब्ल्यू पी आई सी पी आई बेस्ड ऑन बेस्ड इन्फ्लेशन सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस ठीक है डिफरेंस क्या है द डिफरेंस ऑफ पर्पज एंड डिज़ाइन ठीक है CPI reflecting on the price movement at the retail level, while uh, WPI represent the wholesale. आई द होल सेल ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि हमने ऑलरेडी वैसे समझ लिया ये चीज़ कि सी पी आई क्या रिफ्लेक्ट करता है रिटेल लेवल पर जो प्राइज मूवमेंट होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है वहीं अगर बात करें डब्ल्यू पी आई की तो ये होल सेल जो प्राइज़ इंडेक्स है या फिर होल सेल जो है इन चीज़ों से डील करता है ठीक है अगला हमारा वेरिएशन आइटम्स एंड वेटेज़े जैसे एक्जाम्पल सी में क्या चीज़ आती है फूड एंड बेवरेज हैव द वेटेज अब अब फोटी फाइव परसेंट अगर बात करें डब्ल्यू पी आई की तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के प्रोडक्ट होते हैं जिनकी वेटेज है सिक्सटी फोर परसेंट ठीक है अब बात कर लेते हैं नेगेटिव्स ऑफ़ हाई इन्फ्लेशन अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे अगर हाई इन्फ्लेशन होता है तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने मिलेगा सबसे पहला हाई प्रसिस्टेंट इन्फ्लेशन डिक्रीज़ द सेविंग्स आप सोच के देखिए अब चीज़ें महंगी होंगी जैसे मान लीजिए आलू है वहीं आपको दो रुपये देने पड़ रहे थे आलू के लिए मान लीजिए एक्जाम्पल दो रुपये किलो मिल रहा था और वहीं अगर मान लीजिए दो सौ रुपये किलो हो जाता है तो आपकी सेविंग्स जो है वो खत्म होने लगेंगी ठीक है क्योंकि आप को ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा दूसरी चीज़ों पे ठीक है जब कहने का मतलब ये कि जब चीज़ें महंगी होती हैं तो जो लोगों की सेविंग है वो भी खराब होती रहती हैं ठीक है फिर अगला है हमारा इट वॉर्सन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एज पुअर कीप्स हायर कैश इन हैंड ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि इससे क्या होता है कि ज़्यादातर जो हमारे पुअर हैं ना ये और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं ठीक है आपको पता होगा जो हमारे पुअर होते हैं ना वो ज़्यादातर जो कैश होते हैं वो अपने हाथ में रखते हैं अब सोच के देखिए जब वो जिनका कैश है उनका है गरीबों के पास वो सारा का सारा पैसा जो है खर्च कर देंगे तो उनकी सेविंग तो हो ही नहीं पाएगी इसके कारण होगा क्या कि उनका जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर मैं बोलूँ उनकी जो हालत आसान भाषा में और ज़्यादा खराब होती जाएगी ठीक है क्लियर अगला हमारा इट इम्पेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ इंपैक्टिंग द एलोकेशन ऑफ एफिकेशी इन द इकॉनमी ठीक है तो कहने का मतलब ये कि हमारी जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें भी इंपैक्ट डालता है हमारा हाई इन्फ्लेशन फिर अगला हमारा इंक्रीज फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रिस्क ऑफ द फॉरिन करेंसी बोड ड्यू टू द वीकन एक्सचेंज रेट ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता होगा जब हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है ना तो हमारी जो करेंसी है वो भी वीक होने लगती है और अगर मान लीजिए हमारी करेंसी वीक होती जाएगी तो डॉलर के मुकाबले हमको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा मान लीजिए कि पहले हमारा जो है हमको एक डॉलर के बजाय लेस्य आपको दो रुपये देने पड़ते थे अब मान लीजिए अगर हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है तो वहीं अब आपको एक डॉलर के रुपए बजाय पाँच रुपये देने पड़ेंगे तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जब करेंसी वीक हुई तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है एक डॉलर के मुकाबले तो कहने का मतलब ये है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारी जो करेंसी की जो ग्रोथ है वो भी डिक्रीज़ होने लग जाती है और जब करेंसी की जो हमारी डीवेल्यूशन होने लगेगी तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा डॉलर के मुकाबले और हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसे का इनफ्लो होगा ठीक है ये सॉरी आउटफ्लो होगा ठीक है क्लियर चलिए अगला हमारा इट कैन वाइडन द करंट अकाउंट डेफिसिट और ऑब्वियसली बात है जब हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज़ होने लगेगा ठीक है अगला हमारा इट अंडरमाइज द माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एग्जोर द इंटरनल कम्पिटेटिवनेस और ऑब्वियसली बात है जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी जो है खराब होती है और साथ ही साथ जो हमारा इंटरनल जो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस है जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमारे जो फॉरेन गुड्स हैं वो बाहर के साथ कॉम्पिट नहीं कर पाते आप सोच के देखिए अगर मान लीजिए आप किसी बाहर का प्रोडक्ट मान लीजिए से बिस्किट है कोई तो वो चार रुपये में मिल रहा है अब आपको बनाने में ही जो अगर मान लीजिए कोई बिस्किट बना रहे हैं आपको कॉस्ट ही छः रुपये आ रही है तो आप सोच के देखिए चार रुपये थोड़ा ना बेचेगा ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि जब आप छः रुपये आप लागत लगा रहे हो तो आठ रुपये में बेचोगे भी तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसे जो मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं जिन पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है तो वो जो है बाहर के प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटेट नहीं कर पाते ठीक है ये वाला एग्जाम्पल रिलेट करिए चार रुपये वाला बिस्किट और हमारा छः रुपये वाला बिस्किट आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ ठीक है क्लियर चलिए अब बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है देखिए आपको पता होगा हमारे यहाँ पर जो सरकार है हमारी वो इन्फ्लेशन के कुछ टारगेट वगैरह डिसाइड करती है ठीक है रखती है कि हमको जो है इतना जो इन्फ्लेशन है वो मेन्टेन करना है ठीक है या फिर इतना कवर कर्व करना है तो जो हमारी इन्फ्लेशन है उसके टारगेट वगैरह रखे जाते हैं अब सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज़ में किस कारण था फिर आगे चीज़ें समझेंगे सबसे पहला द एवरेज हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको सी पी आई इन्फ्लेशन बोलते हैं याद रखना इन इंडिया स्टेड अब सिक्स परसेंट फॉर द थ्री कंटिन्यूस क्वार्टर ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे पिछले तीन क्वार्टर से देखिए आप पिछले तीन क्वार्टर में देखें अगर आपको पता होगा इकोनॉमिक क्वार्टर्स होते हैं ठीक है तो हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है ये छः परसेंट से भी ज़्यादा रहा ठीक है ड्यू टू सप्लाई शॉक सच एज पेंडेमिक लॉकडाउन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एलिवेटेड कमोडिटी प्राइस यूक्रेन वॉर तो ये सारे के सारे मेजर रीज़न है जिनके जिनके कारण पिछले तीन क्वार्टर में हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रहा ठीक है अब बात कर लेते हैं अबाउट इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क ठीक है सबसे पहला प्राइज स्टेबिलिटी इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक है देखिए आप सोच के देखिए अगर कोई कंट्री है अगर वो पहले से ही अपने इन्फ्लेशन टारगेट वगैरह डिसाइड कर लेती है तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो प्रोडक्शन वगैरह करने में या फिर उनको अच्छे से ग्रोथ करने में मदद करता है अब जैसे मान लीजिए इंडिया ही है अब इंडिया ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि हम जो है इस तरीके से मेजर करेंगे हम जो है ये ये मेजर लेंगे ताकि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो इतने पर मेनटेन रहे ठीक है तो जिसके कारण क्या होगा अगर मान लीजिए फर्दर कोई रिस्क भी आता है तो हमारा जो इंडिया है या फिर इंडियन इकानमी है उसको स्टेबल रखेगी जैसे मान लीजिए जो इंस्टेबिलिटी है फिर जो इकानमी में वॉलीटिलिटी आती रहती है ठीक है वो नहीं आएगी जो हमारी मॉनिटरी पॉलिसी है उसमें डोमिनेट जो हमने ऑब्जेक्टिव रख रखे हैं उसको अचीव करने में मदद करेगा ठीक है अंडर इन्फ्लेशन टारगेट द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइज द इन्फ्लेशन रेट एज द गोल एंड एडजस्ट द मोनिट्री पॉलिसी टू अचीव द स्पेसिफिक एनुअल इन्फ्लेशन ठीक है तो इसमें होता है क्या है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करते हैं कि हमारा जो एनुअल गोल होगा या फिर एनुअल जो इन्फ्लेशन रेट रहेगी वो ये रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है सरकार काम करती है अपनी मॉनिट्री पॉलिसी लेके आती है ताकि हम जो है स्पेसिफिक मैनर में जो हमारे इन्फ्लेशन टारगेट हमने एनुल का रखा है उसको अचीव कर सकें ठीक है आई होप दिस अपॉइंटेज क्लियर अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क इन इंडिया ठीक है सबसे पहला ये अगर बात करें ये जो फ्रेमवर्क है ये उजीत पटेल कमेटी जो थी उसके द्वारा लाई गई थी उसने उन्होंने रिकमेंड किया था याद रखना आसान भाषा में मैं बोल रहा हूँ उन्होंने रिकमेंड किया था दो में ठीक है और आगे जाके कर दो में एक फ्रेमवर्क साइन हुआ था जिसको हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ठीक है जिसके कारण इसको लेके आया गया था फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ठीक है इन द आर बी आई एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फोर इट वॉज अमेंडेड इन दो हज़ार सोलह याद रखना इसको सोलह में अमेंड किया गया इसी एक्ट को यूज़ करके टू मेक इन्फ्लेशन टारगेट नॉमिनल एंकर ऑफ द आर बी आई मोनिट्री पॉलिसी ठीक है अगर बात करें इट है इट हैव अंस्टिट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर द मोनिट्री पॉलिसी कमेटी अंडर सेक्शन फोर्टी फाइव जेड बी एम सी पी स्टैंड फॉर मोनिट्री पॉलिसी कमेटी इज़ अ सिक्स मेम्बर बॉडी याद रखना और ये क्या करती है पॉलिसी रेट साथ ही साथ जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट वगैरह है उनको सेट करती है द इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इन कंसल्टेशन विद आर बी आई ठीक है इन एवरी फाइव ईयर्स ठीक है तो याद रखना जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो हर पाँच साल बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स और साथ ही साथ आर जो है एक दूसरे के साथ कंसल्ट करते हैं और हर पाँच साल बाद जो है इन्फ्लेशन टारगेट डिसाइड करते हैं ठीक है अगर करंटली बात करें तो हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो फोर परसेंट का है साथ ही साथ इसको अगर देखें तो प्लस माइनस अपर एंड लोअर टॉलरेंस लिमिट ठीक है तो याद रखना है हमारे यहाँ पे अगर आसान भाषा में बोलूँ तो ये याद रखना है आपको कि चार परसेंट का हमारा इन्फ्लेशन टारगेट रखा है ठीक है क्लियर चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सबसे पहला कॉम्पोजिशन की बात करें तो तीन इंटरनल मेंबर होते हैं आरबीआई की तरफ से और तीन एक्सटर्नल मेंबर होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो अगर बात करें टोटल सिक्स मेंबर बन जाते हैं ठीक है अगर बात करें डिसीजन की तो वन वोट फॉर ईच मेंबर विद द आर गवर्नर हैविंग अ सेकेंड और कास्ट वोटिंग इन केस ऑफ़ इक्वालिटी ऑफ वोट अब देखिए अगर मान लीजिए आपको आर के गवर्नर हैं यहाँ पे तीन मेंबर हैं आर की तरफ से और तीन मेंबर हैं किसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से अब मान लीजिए तीन तीन अगर किसी पॉलिसी पे इनको डिसीजन लेना है तो इन्होंने भी तीन पे वोट किया और इन्होंने भी तीन पे वोट किया तो यहाँ पे टाई हो गया अब यहाँ पे जो चेयर पर्सन है हमारे आर के इनके पास लास्ट अथॉरिटी होगा कि, कि वो किसी एक को वोट दे जो है जिता सकते हैं उस को समर्थन दे सकते हैं तो कहने का मतलब ये है कि जब टाई वाली सिचुएशन हो जाती है या फिर इक्वालिटी ऑफ वोट वाली सिचुएशन होती है तो यहाँ पर हमारे जो आर के गवर्नर हैं वो अपना जो है वोट कास्ट कर सकते हैं जिनको हम सेकेंड वोट भी कहते हैं ठीक है याद रहेगा चलिए अब बात कर लेते हैं मीटिंग की तो एम सी पी रिक्वायर टू मीट एटलीस्ट फोर टाइम इन अ ईयर ठीक है तो याद रखना है एम सी पी जो है चार बार एक साल में मिलना ही मिलना है उससे ज़्यादा बार भी मिल सकते हैं अगर बात करें कोरम की एटलीस्ट फोर मेंबर प्रेजेंट फॉर अ मीटिंग ऑफ एम अगर मान लीजिए चार मेंबर्स से कम प्रेजेंट है या फिर चार मेंबर नहीं है तो वो जो है कोरम होल्ड नहीं होगा ठीक है तो एटलीस्ट चार तो होना ही चाहिए अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए इफ द एवरेज इन्फ्लेशन रिमेंस अबब अपर टॉलरेंस और लोअर टॉलरेंस फॉर एनी थ्री कॉन्जिक्यूटिव ईयर आर बी आई शल सेट आउट द रिपोर्ट टू देंट्रल गमेंट अगर मान लीजिए कि ये जो हमने टारगेट रखा है उससे ऊपर नीचे रहता है तीन कॉन्सिक्यूटिव तीन तीन क्वार्टर में तो हमारा जो आर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा और क्या क्या बताएगा सबसे पहला कि जो इन्फ्लेशन टारगेट हमने रखा है उसको अचीव करने में हम फेल क्यों हो गए फिर अगला आर बी ये भी प्रपोज़ करेगा कि हम क्या क्या रेमेडियल मेजर ले सकते हैं और साथ ही साथ हम जो है कैसे एस्टिमेटेड टाइम बाउंड मैनर में इन्फ्लेशन जो टारगेट हमने सेट किया था ठीक है उसको कैसे पर्सन मैनर में अचीव कर सकते हैं ठीक है और या फिर मैं बोलूँ टाइमली मैनर में अचीव कर सकते हैं ठीक है याद रहेगा चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी इंस्टैंड सबसे पहला अकोमोडेटिव स्टैंड ठीक है फिर अगला हमारे न्यूट्रल स्टैंड हॉकिश स्टैंड फिर कैलिब्रेट स्टैंड टाइटनिंग ठीक है तो इनको आपको जो टर्म है वही याद रह जाए तो उससे काम चल जाएगा अगर बात करें अकोमोडेटिव की तो सेंट्रल सेंट्रल बैंक इज प्रिपेयर टू एक्सपांड द मनी सप्लाई टू बूस्ट इकोनॉमी अब देखिए जब होता क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जब मनी सप्लाई की जरूरत होती है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है जो मनी सप्लाई है उसको बूस्ट कर देती दे है इकोनॉमी में ताकि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सपांड हो सके अब बात करते हैं न्यूट्रल स्टैंड की वन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आइडर कटरेट ठीक है और इनक्रीज इंक्रीज़ पॉलिसी रेट ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रल स्टांस क्या होता है जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी जो पॉलिसी रेट है उसमें इंक्रीज़ कर दे या फिर कट रेट कर दे ठीक है उसको कहा जाता है हमारा न्यूट्रल स्टांस ऑके स्टांस की बात करें तो जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर टू तो कर मनी सप्लाई इन कीपिंग ऑफ इन्फ्लेशन लो अब देखिए कई बार होता क्या है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि जो हमारी मार्केट है उसमें से पैसा निकाल लेती है ताकि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको करव किया जा सके अगर बात करें कैलिब्रेट टाइटनिंग की तो अनदर टर्म टू प्रेजेंट रिप्रेजेंट द रेट हाइक इन रेट मैन ठीक है क्लियर चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइज मॉनिटरिंग सेंटर जिसको पीएमसी बोलते हैं शॉर्ट में ठीक है सबसे पहले समझेंगे कि कॉन्टेक्स या फिर न्यूज में किस कारण था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्टेड दट हैविंग प्राइज मॉनिटरिंग सेंटर फॉर द क्रिटिकल गुड्स इन ऑल डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सरकार या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पे जो मॉनिट प्राइज मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं वो हमको हर गुड डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश करने पड़ेंगे ठीक है ताकि हमारे यहाँ पे जो क्रिटिकल गुड्स हैं उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग वगैरह की जा सके ठीक है अब समझते हैं मोर न्यूज़ सेंटर इंटेंडेड टू हैव सेवन प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर बाई मार्च थर्टी फर्स्ट इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो है 750 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर खोलेंगे ठीक है बाय द ईयर ऑफ 2023 ठीक है या स्पेसिफिकली बोलूं तो 31 मार्च 2023 तक हम जो है 750 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर खोलेंगे ठीक है एट प्रेजेंट 50 फाइव फिफ्टी परसेंट विल बी फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50 परसेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है तो याद रखना जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह यूज होगा तो उसमें पचास पचास परसेंट जो है सरकार सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर देंगी ठीक है अब बात करते हैं करंट सेटअप फॉर प्राइज मॉनिटरिंग सेंटर ठीक है सबसे पहला

इस सेलेक्टेड एसेंशियल कमोडिटीज ऑन डेली बेसिस ठीक है तो ये सारी की सारी चीज़ों के मॉनिटरिंग की जाएगी जैसे एग्जाम्प रिटेल होल प्राइस फ्यूचर प्राइजेस ठीक है तो इन सब के बारे में जो है ये डिस्कस किया जाएगा और यहाँ पर डिपार्टमेंट हमारा कंज्यूमर अफेयर्स है ठीक है ये डिसाइड करेगा हमारे असेंशियल गुड्स के प्राइजेस को स्टेट सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट रिपोर्ट ऑन द प्राइज ऑफ एम एस पी ठीक है एम एस सॉरी पी ठीक है उन्हें डेली अबाउट ट्वेंटी टू असेंशियल फूड प्रोडक्ट ट्वेंटी टू असेंशियल कमोडिटी कौन सी है ठीक है याद रखना यहाँ पर जो मॉनिटरिंग हुई है दो बाईस असेंशियल कमोडिटीज की होगी और साथ ही साथ तीन सौ चालीस मार्केट सेंटर की होगी पूरे अक्रॉस इंडिया में टू क्रॉस चेक अक्रे से प्राइज रिपोर्टेड बाई द सेंटर फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेटे सर्विस ऑफ द एफ सी आई एंड आर यूटिलाइज़ ठीक है तो याद रखें इन लोग ये जो हमारी इनकी रिपोर्ट वगैरह आती हैं तो इनकी प्राइस जो है या फिर इनकी रिपोर्ट वगैरह को यूटिलाइज़ किया जाएगा क्रॉस चेक एक्यूरेसी के लिए ठीक है अब बात कर लेते हैं पी के बेनिफिट क्या होंगे सबसे पहला कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा हमारे जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करेगा फिर अगला हमारा जो हमारा दाखिल पोर्टल है ठीक है या फिर ऑनलाइन फिलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट ठीक है इसको भी हमारा यूज़ करने में मदद मिलेगा फिर अगला हमारा जो मार्केट इंटरवेंशन है ठीक है ये भी हमको करने में मदद मिलेगा अब बात कर लेते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को जिसको एस बोलते हैं ठीक है इट इज़ अ फर्स्ट बाइनली बाइनली बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू ठीक है किसका है हमारा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का हैज़ इंट्रोड्यूस द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ठीक है तो याद रखना हमारी जो स्टैंडिंग सॉरी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने एक uh, इनिशिएटिव uh, लॉन्च किया जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अब ये होता क्या है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम समझेंगे कि आगे की चीज़ें क्या हैं ठीक है एस डी एफ इज़ ए लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट ठीक है क्या है कि ये क्या है लिक्विडिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ठीक है या फिर लिक्विड लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है टू अब्जॉर्व लिक्विडिटी फ्राम अ सेलेक्टेड कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक विदाउट एनी कोलेक्ट्रल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन रिटर्न अब देखिए मान लीजिए कि हमारे जो एस डी एफ क्या है इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये ऐसा लिक्विडिटी इंस्ट्रोमेंट या मैनेजमेंट इंस्ट्रोमेंट है जिसके कारण जो लिक्विडिटी है वो अबॉर्ब कर ली जाती है शेड्यूल बैंक से अब देखिए जब शेड्यूल बैंक से ये जो लिक्विडिटी होती है ये ली जाती है ना तो इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर जो कोलेट्रल है नहीं दिया जाता है इन्हें ठीक है कोलेक्ट्रल पता है ना आपको क्या होता है ठीक है तो वो चीज़ इनको नहीं दी जाती अगर बात करें रिकमेंडेशन की तो दो में इसको रिकमेंड किया था उजीत पटेल कमेटी ने तो याद रखना और दो में सेक्शन सेवनटीन ऑफ आर एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटीन थर्टी फोर वॉज अमेंडेड टू एम्पावर आर बी टू इंट्रोड्यूस एस डी एफ ठीक है तो याद रखना ये जो सेक्शन है सत्रह है दो हज़ार अठारह का आर बी आई दो हज़ार अठारह में जो आर बी आई एक्ट एम्पावर करता है अंडर आर बी आई एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फोर तो इसको आर बी आई पावर देता है कि आर बी आई जो है एस डी एफ को इंट्रोड्यूस कर सकता है एसडीएफ डी बिल रिप्लेस द फिक्स रेट रिजर्व रेपो रेट जिसको एफआरआर बोलते हैं एट द फ्लोर एंड एलएफ ए कॉरिडोर ठीक है डिपॉजिट अंडर एसडीएफ वांट एलिजिबल फॉर द कैश रिजर्व रेशन ठीक है तो याद रखना जो भी डिपॉजिट आता है एस के अंडर में वो सी के अंडर में नहीं आता ठीक है ये किसके अंडर में मेनटेन किया जाता है याद रखना है? सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 ठीक है तो याद रखना जो ये चीज़ एस डी एफ आई ये हमारा सी के अंडर में नहीं आता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एज फार एज अ प्रीलिम्स एग्जाम इज़ कंसर्न ठीक है अब बात कर लेते हैं कि नीड क्या है हमारे एस की तो सबसे पहला है कि जो हमारा सरप्लस लिक्विडिटी है हमारा मार्केट में जो कि कोविड नाइन्टीन के द्वारा बहुत ज़्यादा आ गया मार्केट में तो उसको ऑब्जॉर्व करने में मदद करेगा ठीक है अगर बात करें और कौन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे लिक्विडिटी ऑब्जॉर्व कर ली जाती है तो याद रखना यह है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जिसको एल टी एल टी आर ओ बोलते हैं फिर अगला हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा ठीक है तो ये सारे के सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके द्वारा हमारी मार्केट से जो लिक्विडिटी है उसको निकालने में मदद मिलता है अब बात कर लेते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट के कौन कौन से दूसरे टर्म एसोसिएटेड हैं सबसे पहला सी ठीक है सॉरी सी कह रहा हूँ रेट फिर अगला हमारा रिजर्व रेपो रेट फिर रेपो रेट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी फिर अगला हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एम एस एफ जिसको बोलते हैं सबसे पहले समझते हैं कि रिज़र्व रेट क्या होता है ठीक है या फिर सॉरी रिजर्व रेट कह रहा हूँ रेपो रेट क्या होता है इट इज़ अ रेट एट विच आर बी आई लैंड्स मनी टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी रेट होती है जहाँ पे आर बी आई जो है हमारी जो बैंक्स होती हैं उनको थोड़ा पैसा देता है ठीक है अगर बात करें कोलेट्रल तो यस yes, जो हमारी बैंक्स हैं वो आर बी आई को जो है आरबीआई से जो है क्या लेती हैं कोलेटर लेती हैं अपना जो पैसा रखती हैं फिर अगर बात करें फंक्शन की टू रेगुलेट लिक्विडिटी इन इकोनॉमी ठीक है ये क्यों करती है ताकि जो हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो मैनेज की जा सके या फिर रेगुलेट की जा सके अब बात करें रिवर्स रेपोरेट में क्या होता है तो रिवर्स रेपोरेट क्या होता है इट इज़ अ रेट विच आर बी आई पेज़ टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक ठीक है तो इसमें क्या हो रहा था कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है आर बी आई के पास पैसा रख रही थी अब इसमें क्या होता है आर बी आई शेड्यूल बैंक को पैसा देता है ठीक है और कोरेटर वगैरह जो है यहाँ पे रखा जाता है ठीक है और ये पर्पज़ क्या होता है इनका कि जो हमारे यहाँ पे जो मार्केट में जो लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा हो रखी है उसको ऑब्जॉर्व कर सके और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके अब बात कर लेते हैं एस डी एफ के बारे में ये वैसे एस डी एफ ऑलरेडी कंट्रोल मतलब जो पढ़ चुके हैं न्यूली इंट्रोड्यूस फैसिलिटी टू एस सी बी इन पार्क ऑफ द एस एस ए फंड विद आरबीआई ठीक है नहीं मिलता जैसे हमने ऑलरेडी सीख लिया ठीक है टूल फॉर द लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक है इसका मेन फंक्शन होता है कि लिक्विडिटी को मैनेज करना और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेनटेन करना अब एन एम एस एफ के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहला इट इज़ अ शॉर्ट टर्म बोरिंग विंडो फॉर द शेडल कमर्शियल बैंक ठीक है तो ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए ओवर नाइट फंड की जरूरत पड़ जाती है ठीक है बैंक्स को तो ये ओवर नाइट बेसिस पे जो हम ये आर बी आई से पैसा लेते हैं ठीक है थीक? और ये शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है शेडल कमर्शियल बैंक की इट इज मैक्सिमम लिमिट इज़ टू परसेंट ऑफ द बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ठीक है इसमें जो क्वालिटर ले दिया जाता है आरबीआई को ठीक है फिर याद रखना ये भी जो शॉर्ट टर्म जो हमारी बैंक की रिक्वायरमेंट होती है उनको मीट करने के लिए लाया जाता है इसे अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी जिसको आर आर ए टू पॉइंट जीरो बोलते हैं ठीक है सेटअप इन दो हज़ार इक्कीस बाई आर बी आई टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद द फाइनल सेट रिकमेंडेशन आर आर ए वन पॉइंट जीरो वो सेटअप इन नाइनटीन नाइन्टी वन टू स्टीमलाइन आर बी आई प्रोड्यूस प्रोसीजर एंड सिम्प्लीफाइड रेगुलेटर प्रिस्क्रिप्शन अगर बात करें दो आर आर का मतलब तो जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है तो सबसे पहला रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन टू रेगुलेट एंटिटी जैसे एग्जांपल एस सी बी आर आर बी यू सी बी एन एफ एन सी तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए या फिर रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन या फिर रैशनलाइज और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है लाई जा सके इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ठीक है अंडा RBI Act of 1934, the Banking Regulation Act of 1949, the Payment Settlement System of 2017 तो इन सारी सारी एंटिटीज़ को भी रेगुलेट किया जाता है इसके अंडर में ठीक है क्लियर अब बात कर लेते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग एंड मोनिटरी पॉलिसी को लेके। सबसे पहला है कि काउंटर साइकिल कैपिटल बफर जिसको सी सी बी बोलते हैं ठीक है सबसे पहला याद रखना है जो आपको ये बेसल नॉम थ्री के अंडर में आता है ठीक है आपको पता होगा कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बैंक्स वगैरह वगैरह को रेगुलेट करने के लिए या फिर कुछ मॉनिटरिंग uh, वगैरह करने के लिए कुछ नॉर्म स्पेसिफाई करती है तो जो सी सी है ना ये भी एक तरह का नॉर्म्स है जो हमारी बैंक को दिया जाता है किस किस चीज़ के लिए तो याद रखना टू कैलकुलेट एज फिक्स परसेंटेज ऑफ द बैंक रिस्क वेटेड लोन बुक ठीक है एम क्या होते हैं इसके टू बिल्ड अ बफर ऑफ कैपिटल कैपिटल इन गुड्स टाइम विच मे बी यूज टू मेंटेन फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड रियल सेक्टर ठीक है रियल सेक्टर इन द डिफिकल्ट टाइम ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्रेडिट फ्लो है उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सके इसलिए इसको लाया जाता है इट रिस्ट्रिक्टेड बैंक फ्रॉम द इनडिस्क्रिमिनेट लैंडिंग ठीक है ये जो है जो हमारी बैंक है वो इंडस्क्रिमिनेटेड लैंडिंग वगैरह करती हैं तो उस पर भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है ये हमारा सी सी बी ठीक है क्लियर अब बात कर लेते हैं बेना बेनाकोश्योरेंस ठीक है अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी ठीक है बिना का इश्योरेंस क्या होता है इट इज़ एन अरेंजमेंट बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी ठीक है याद रखना एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो हमारे इंश्योरेंस कंपनी और बैंक के बीच में होता है अलाइंग द इंश्योरेंस कंपनी टू सेल इट्स प्रोडक्ट टू द बैंक क्लाइंट बेसिस ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे बैंक इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं ये जो बैंक के क्लाइंट होते हैं उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं ठीक है बैंक ऑन एडिशनल रेवेन्यू बाय सेलिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट और इसमें जो बैंक होती है उसको भी एडिशनल पैसा अर्न करने में मदद करता है बिकॉज बैंक क्लाइंट करते क्या है कि वो एडिशनल पैसा अर्न करने के लिए हमारे जो इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनको बेचते हैं एज बिकमिंग कस्टमर ठीक है अगला है हमारा कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जिसको सी डी रेशियो बोलते हैं सी डी रेशियो टेल्स हाउ मच मनी बैंक द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट ठीक है तो कहने का मतलब ये कि एक ऐसा पॉलिसी होता है या फिर ऐसा रेशियो होता है जो दिखाता है कि बैंक ने कितना पैसा रेज किया है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड हैज़ been deployed as लोन ठीक है और कैसा deploy किया है लोन की तरह इन्होंने deploy किया है आ लो CD ratio रेशियो सजेस्ट रिलेटिवली पुअर क्रेडिट ग्रोथ ठीक है तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे यहाँ पे जो सी डी रेट है वो लो है तो ये डिफ्लेक्ट करता है कि हमारे यहाँ पर जो क्रेडिट ग्रोथ है ये बहुत ज़्यादा लो है ठीक है कंपेयर टू द डिपॉजिट ग्रोथ इंडिकेटिंग द बैंक आर नॉट मेकिंग फुल यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज और ये इंडिकेट करता है कि ये जो बैंक है कोई भी पर्टिकुलर बैंक वो अपने जो रिसोर्स हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन या फिर फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रही है ठीक है और सिमिलरली जब हमारे यहाँ पे सी डी हरीशो हाई होता है तो जो क्रेडिट रेट है वो भी या फिर क्रेडिट डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है ये दिखाता है कि जो बैंक अपने जो रिसोर्स है वो बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है अब बात कर लेते हैं प्रॉम करप्टिव एक्शन के बारे में या फिर प्रॉम करप्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के बारे में पी सी फ्रेमवर्क इज़ इम्पोज वन बैंक ब्रांचेस नेट एन पी एंड रिटर्न ऑन एसेट ठीक है अगर बात करें पी सी ए के बहुत सारे एक्शन की तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन ऑन डिवीजन डिविडन डिस्ट्रीब्यूशन रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट तो यहाँ पे लगाया जाता है पी सी ए ठीक है फिर अगला हमारे रिस्ट्रिक्शन ऑन ब्रांच एक्सपेंशन ठीक है डोमेस्टिक एंड ओवरसीज ठीक है तो इन पे भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगाता है हमारा प्रॉम करप्टिव एक्शन अब बात कर लेते हैं लोन लोन वेव ऑफ़ देखिए लोन वेव ऑफ़ आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जहाँ पे जो हमारी सरकार है या फिर पर्टिकुलर बैंक है लोन को कम्प्लीटली कैंसिल कर दे या फिर मांगने से मना कर दे तो उसको कहते हैं लोन या फिर आसान भाषा में लोन कम्प्लीटली माफ़ कर देना जैसे एग्जाम्पल आपको पता होगा कई बार सरकार जो है किसानों का जो लोन है वो माफ़ कर देती है तो इसको कहते हैं जब सरकार हमारे जो लोन है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोन को कम्प्लीटली माफ कर दे तो उसको कहते हैं लोन वेव ऑफ और लोन रेट ऑफ क्या होता है कि जब हमारी जो लोन की जो वापसी है वो आने की जब एक बैंक के ऊपर एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो जो बैंक है वो करते क्या है कि जो हमारा उनका एसेट है जितना भी निकल रहा है जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जो आपने लोन दिया वो पूरा का पूरा वापस ही ले लो बट जितना भी निकल रहा है ठीक है उतना निकालो ताकि जो लॉस है वो कम से कम हो ठीक है तो इसको कहा जाता है लोन रेट ऑफ ठीक है मतलब क्या है कि जब आप पूरा का पूरा माफ़ नहीं करते बट कुछ ना कुछ एटलीस्ट रिकवर कर लेते हो ताकि कुछ ना कुछ जो बैंक के पास आ जाए ताकि जो रिस्क हो या फिर जो लॉस हो बैंक को कम से कम हो ठीक है क्लियर चलिए अब बात कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट जिसको एम बोलते हैं ये जो है 2012 में इंस्टीट्यूट की गई थी आर द्वारा ठीक है इट इज़ द लोएस्ट रेट दैट बैंक लैंडर बैंक और लैंडर कैन ऑफर ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी रेट होती है या फिर ऐसी लोएस्ट रेट होती है जो एक बैंक जो है ऑफ़र कर सकती है एक इंडिविजुअल को जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक गए हैं ठीक है लैसे ए बी तो आप जो है एक मिनिमम ऐसी लोएस्ट रेट बताई जाएगी कि जिस पे एक बैंक जो है पैसा लेंड कर सकती है ठीक है मान लीजिए कोई सी बैंक के पास गए अब बैंक को पहले से ही अथॉरिटी मतलब जो जो परमिशन होगा या फिर जो बोला जाएगा कि आप इतना जो है लैंडिंग रेट पे कर सकते हो इससे ज्यादा या फिर इससे कम पे नहीं कर सकते ठीक है तो ये एक मिनिमम लोएस्ट इंटरेस्ट होता है ठीक है इज़ अ इंटरनल बेंचमार्क और द द रेफरेंस फॉर बैंक ठीक है इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन अ बेस ऑफ फोर कॉम्पोनेंट कौन कौन से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड नेगेटिव कैरी ऑन द अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेन ऑर प्रीमियम ठीक है तो ये चार पैरामीटर होते हैं जिनके बेसिस पे ये जज किया जाता है या फिर कैलकुलेट किया जाता है अब बेनिफिट क्या होते हैं इसके सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिर अगला हमारा क्योंकि ये जो अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट में हमारी ट्रांसपेरेंसी होगी तो हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें ऑब्वियसली बात है हमारा क्या आ जाएगा ट्रांसपेरेंसी आएगा ही आएगा अकॉर्डिंग टू आर इट इज़ मोर इफेक्टिव देन द अर्स्ट वाइल बेस रेट मैथड ठीक है तो पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पे बेस रेट वाला मैथड फॉलो किया जाता था तो आर का मानना है कि ये जो हमारा एम है ये और ज़्यादा इफेक्टिव मैथड है ठीक है हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेके आने का अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जिसको एफएस एफ एस आर बोलते हैं ये बाय एनुअल रिपोर्ट है आरबीआई द्वारा रिलीज़ की जाती है और ये बताता है कि हमारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको क्या क्या रिस्क है ठीक है और कैसे हम रेजिलिएंट बना सकते हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को और साथ ही साथ जो हमारा ग्लोबल सिस्टम है आपको पता होगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है तो आई रिलीज़ करता है ये भी याद रख लेना तो दो है हमारी एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ठीक और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो आर रिलीज करता है और ग्लोबल फाइनेंशियल की बात करें तो हमारा कौन रिलीज करता है आई तो ये डिफरेंस जरूर से याद रखना ठीक है लेटेस्ट एफ सी आर एफ एफ एस आर हाईलाइटेड that improve ability of the banking system to absorb the माइक्रो stock without further capital infusion ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कैप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आर बी आई रिलीज़ करता है इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है ठीक है उनकी एबिलिटी को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा फिर अगला हमारा इम्प्रूव कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो ठीक है तो इन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पर जो सी आर ए आर है उसको भी हमको इंप्रूव करने की जरूरत है ठीक है ऑफ द शेड्यूल कमर्शल बैंक फिर अगला हमारा डिक्लाइनिंग द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड नेट एन ठीक है तो कहने का मतलब ये कि इन्होंने ये भी बोला है कि जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ग्रॉस का ये भी हमको इम्प्रूव करने की जरूरत है या फिर इसमें डिक्लाइन करने की जरूरत है देखिए अब सोच के देखिए जितना हमारा एन बढ़ेगा ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेगा उतना ही हमारे बैंक के लिए खराब रहेगा क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है कि ये बैंक का ऐसा लोन होता है जो वापस नहीं आता अब बैंक कई बार दे तो देती है लोन लोन बट उनका लोन वापस नहीं आता ना तो धीरे धीरे एन बढ़ता रहता है और ये जो हमारी किसी भी बैंक के लिए जो है बहुत ज़्यादा खराब होता है फिर अगला हमारा इन्होंने बोला है कि जो पी है इसमें भी इम्प्रूव करने की हमको ज़रूरत है स्टैंड फॉर प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो अब बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओमबर्समन स्कीम ठीक है देखिए ओमबर्ट्समैन को आसान भाषा में समझाऊं तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू जो है एक इंस्टीट्यूशन में आप जो है ट्रांसपेरेंसी लेके आते हो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी लेके आते हो ठीक है जब ओमबर्ट्समैन होता है तो ये सारे का सारा चेक एंड बैलेंस करता है ठीक है किसी भी इंस्टीट्यूशन पे तो हमारी रिजर्व बैंक ने भी बोला है कि हमको क्या चाहिए एक इंटीग्रेटेड ओमबर्टमेंट स्कीम चाहिए होगा ठीक है स्कीम इंटीग्रेट द एग्जिस्टिंग थ्री ओमबर्ट्समन स्कीम ऑफ आरबीआई कौन कौन सी बैंकिंग ओम्बसमैन स्कीम 2006 हज़ार छः फिर अगला हमारा उम्बसमन स्कीम फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दो फिर अगला हमारा ओम्बसमन स्कीम ऑफ द डिजिटल ट्रांजेक्शन दो तो इन्होंने बोला ये तीनों को हम एम करके एक सिंगल इंटीग्रेटेड ओम्बमेंट स्कीम लेके आएंगे इट प्रोवाइड द सिंगल विंडो फॉर रेजोल्यूशन कंप्लेन ठीक है विद इन थर्टी डेज ठीक है और ये क्या करेगा हमारे जो ग्रव्यांस रेडेसल मैकेकैनिजम है उसमें भी इम्प्रूव करेगा और जो डेफिशंसी सर्विसेज है उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करेगा ठीक है ये इसका जो, जो हमारा प्रोसेस होगा ये सारा का सारा, सारा सेंट्रलाइज रहेगा हमारा किसके अंडर में आएगा आर के अंडर में आएगा ये सारा का सारा, सारा सेंट्रलाइज सिस्टम अब बात कर लेते हैं दक्ष पोर्टल के बारे में दक्ष इज़ अ वैप एंड टू एंड वर्क फ्लो ऑफ एप्लीकेशन लॉन्च बा आर याद रखना ताकि हमारे जो कंप्लेन रिक्वायरमेंट है ठीक है ये और ज़्यादा फोकस मैनर में हो सके तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो दक्ष पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है आर ने लॉन्च किया है ताकि जो हमारी मॉनिटरिंग कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बहुत फोकस मैनर में किया जा सके ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारा कंप्लाइंस कल्चर है उसको इम्प्रूव किया जा सके इन सुपरवाइज सुपरवाइज एंटिटीज़ लाइक बैंक एन बी एफ सी दिस एप्लीकेशन विल ऑल्सो इनेबल द सीमलेस कम्युनिकेशन इंस्पेक्शन प्लानिंग एग्जीक्यूशन साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग एनालिसिस तो ये सारी चीज़ों में भी मदद करेगा अब बात कर लेते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में जिसको एस एफ बी बोलता बोला जाता है एस एफ बी रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिट कंपनी ठीक है याद रखना कंपनीज एक्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड थर्टीन ठीक है तो इसके अंडर में रजिस्टर है ठीक है और लाइसेंस किसके अंडर में लिया जाता है तो याद रखना सेक्शन ट्वेंटी टू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन फोर्टी नाइन तो इसके अंडर में इनको जो है लाइसेंस वगैरह दिया जाता है ठीक है दो हज़ार चौदह पंद्रह के जो यूनियन बजट था उसमें अनाउंस किया गया था कि आर बी आई इश्यू गाइडलाइन ऑन नवंबर टू थाउजेंड एंड फोर्टीन ठीक है द प्राइम द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग ऑफ एफ एफ बी फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सर्विंग प्राइमरी अनरिजर्व एंड अनडिजर्व सेक्शन ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि जो स्माल फाइनेंशियल बैंक थे इनका मेन पर्पज यही था इस्टैब्लिश करने का कि जो हमारे यहाँ पर अंडर रिजर्व या फिर फिर अन रिजर्व सेक्शन है उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके उन जो हमारी सोसाइटी में नीचे तबके के लोग हैं उनका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके इसीलिए हमारे यहाँ पे एस एफ बी लेके आए गए थे दे आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ क्रेडिट टू द सेक्टर्स एलिजिबल एज क्लासीफाइड पब्लिक सेक्टर ठीक है फिर सॉरी प्रायवर्टी सेक्टर लैंडिंग ठीक है तो आपको पता होगा जो हमारा एस एफ बी है इसको हमने डिस्कस भी किया था अभी यहाँ पे कुछ मतलब पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो एस एफ बी का जो हमारा जो प्रायवर्टी सेक्टर लैंडिंग होता है वो सेवेंटी फाइव परसेंट होता है आप सोचिए देखिए जब प्रायवर्टी सेक्टर लैंडिंग में सेवेंटी फाइव परसेंट इनका क्रेडिट जा रहा है तो जो नीचे तबके के लोग हैं उनका इंक्लूजन होना ही होना है ठीक है क्लियर अगला हमारे मिनिमम पेड पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर द स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ऑफ अप टू टू हंड्रेड करोड़ लिस्टिंग इज मैंडेटरी ठीक है फॉर एफ एस एफ बी थ्री ईयर्स एंड द नेटवर्थ इज रीचिंग फाइव हंड्रेड करोड़ चैलेंजेस क्या है हाई कॉस्ट ऑफ बोरइंग शार्प डिक्लेन ऑफ लोन ग्रोथ इन द पेंडेमिक स्टॉक्स लास्ट ईयर ठीक है तो ये सारे, -सारे के सारे ग्रोथ है एस एफ बी को लेकर अब बात कर लेते हैं अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम सबसे पहला है कि दो हजार इक्कीस में इसको इन्वेट किया गया था अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम को ठीक है इट इज़ अ सिस्टम इस टाइप टाइप ऑफ आर बी आई रेगुलेट एंटिटी ठीक है तो ये क्या है कि एक आर बी आई की रेगुलेटिंग एंटिटी है ठीक है इट हेल्प इंडिविजुअल सिक्योर एंड डिजिटल एसिस ऑफ शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनदर इन द ए आई नेटवर्क ठीक है तो ये एक ऐसा नेटवर्क है या फिर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप जो डिजिटली इंफॉमेशन को एसेस कर सकते हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो इन्फॉर्मेशन है उनको शेयर या फिर एसेस कर सकते हो ठीक है सिग्निफिकेंस क्या है कि एक ऐसा कंसोलिडेशन डैशबोर्ड है सारी बैंक के लिए जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी फिर अगला हमारा कि जो इंस्टेंस जो मिस होता है इफॉमेशन का या फिर फिजिकल फॉर्म में जो चीज़ों का मिस होता है उसको कम करेगा फिर अगला हमारा कि जो डेटा शेयरिंग है उस पर भी कंट्रोल आएगा ठीक है जब क्योंकि सारी चीज़ें कंसॉलिडेटेड होंगी तो जो इन्फॉमेशन जो है लीक वगैरह नहीं होगी या फिर डेटा मिस वगैरह नहीं होगा अगला हमारा कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिसको सी आई आई बोलते हैं सबसे पहला जो आपको याद रखना सी आई आई रिलीज़ कौन करता है तो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये रिलीज़ करता है ठीक है सी आई आई नोटिफाइड एवरी ईयर अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी वन ठीक है मैच प्राइज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स ठीक है तो याद रखना ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है ये बात करता है कि हमारे यहाँ पर जो प्राइज ऑफ इन्फ्लेशन है ठीक है उसमें मैच कितना है ठीक है या फिर हमारे यहाँ पे आसान भाषा में समझाऊँ तो इन्फ्लेशन रेट कितना है उसको मेजर करता है इट इज़ यूज बाई अ टैक्स पेयर ठीक है टू कंप्यूट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठीक है तो याद रखना यह कंज्यूमर द्वारा जो है यूज़ किया जाता है टू कंप्यूट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग आउट ऑफ द सेल ऑफ कैपिटल एसेड आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन ठीक है अब बात कर लेते हैं लिबॉर के बारे में लिबॉर स्टैंड फॉर लंडन इंटर बैंक ऑफ अ रेट ठीक है लिबॉर इज अ ग्लोबल रेफरेंस रेट फॉर अनसिक्योर शॉर्ट टर्म बोरइंग इन इंटरबैंक मार्केट ठीक है तो याद रखना ये क्या होता है एक अनसिक्योर शॉर्ट टर्म बोरइंग होता है ठीक है इंटरबैंक मार्केट सिस्टम में इट एक्ट एज बेंचमार्क शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ठीक है यूज फॉर करेंसी स्वैप ठीक है या फिर करेंसी जो रेट स्वैप होता है उसके लिए यूज होता है और ये एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा की जाती है तो याद रखना जो हमारा इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज होता है उसके द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेट वगैरह की जाती है नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इट इज़ अ कंप्यूटेड फोर फाइव करेंसी जैसे एग्जांपल कौन कौन सा यूरो पॉन्ड स्टाइलिंग जैपनीजियन यूएस डॉलर तो ये पांच करेंसी इसमें इंक्लूडेड होती हैं इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ़ फाइनेंशियल सिस्टम ये किसका इंडिकेटर है कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का हेल्थ कैसा है ठीक है ट्रेजटरी इंपेडिंग पॉलिसी रेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है इंडियन इक्वलेंट इज़ नोन एज द मुंबई इंटर बैंक ऑफ रेट जिसको एम आई बी ओ आर बोलते हैं कलकुलेटेड बाई द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ठीक है अब बात कर लेते हैं बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन के बारे में यील्ड कर्व एज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यील्ड ठीक है फ्रॉम द बॉन्ड अंडर द नॉमिनल सर्कमस्टांसेस एज वन ये लैंड फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन एंड गेट्स हाई यील्ड ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई जो बॉन्ड है या फिर कोई जो यील्ड है ठीक है ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लैंड करता है तो यहाँ पर जो हमारी यील्ड है वो भी ज़्यादा होगी ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लैंडिंग लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर रहे हो तो आपकी यील्ड भी जो क्या होगी हायर होगी ठीक है पेइंग हायर यील्ड एंड देन बॉन्ड इज विद लॉन्गर टन योर विच सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स पे एक्सपेक्ट फ्यूचर ग्रोथ टू बी वीक ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत हायर यील्ड पे कर रहा है ठीक है या फिर बॉन्ड से ज़्यादा यील्ड दे रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा होता है कि इन्वेस्टर जो है फ्यूचर में जो है वीक ग्रोथ रेट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है ठीक है जो फ्यूचर ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा वीक होगी अब बात कर लेते हैं यील्ड कर्व कंट्रोल के बारे में जिसको वाई बोलते हैं जैपनीज एन हैज डिक्लाइन फॉर द एज बैंक ऑफन जापान येज टक पॉलिसी येल्ड कर्व कंट्रोल ठीक है सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारे कर्व कंट्रोल होता है, क्या है फिर ये जो कॉन्टेक्स है आप समझ जाएंगे ऑल्सो रिफर्स एज इंटरेस्ट रेट कैप ठीक है ये क्या होती है कि इंटरेस्ट रेट कैप होती है एम टू कंट्रोल इंटरेस्ट रेट अलॉन्ग विद पोर्शन ऑफ यील्ड कर्ब ठीक है तो आसान भाषा में समझाऊँ तो जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंट्रोल करने में ये मदद करती है इट इन्वॉल्व द द टारगेटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट ठीक है तो याद रखना जो लॉन्ग टर्म हमारी इंटरेस्ट रेट होती है उसको टारगेट करने में मदद करता है बाय द सेंट्रल बैंक बाइंग एंड सेलिंग एंड एम ऑफ द बॉन्ड आर नेसेसरी दैन हिट द टारगेट रेट ठीक है डिफरेंस बिटवीन द क्वान्टिटेटिव इजिंग जिसको क्यों ये बोलते हैं एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट टारगेटेड ठीक है वाई सी सी फोकस्ड ऑन दॉन्ड प्राइजेस एंड प्रोवाइड द इकनॉमिक स्टिमुलिस एंड शॉट टर्म रेट ऑफ नेट जीरो ठीक है इट प्रिवेंट द रिसेशन और द लेसन इट्स इम्पैक्ट ठीक है तो याद रखना कि जो हमारे रिसेशन वगैरह होते हैं उसको भी प्रिवेंट करने में मदद करता है अब बात कर लेते हैं ग्लोबल टैक् इन्फ्लेशन के बारे में ग्लोबल स्टैक्सफ्लेशन कैन इम्पैक्ट द डोमेस्टिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन थ्रू द मल्टीपल चैनल ठीक है तो हमारे यहाँ पे जो ग्लोबल टैक्सफ्लेशन होता है ये हमारी जो डोमेस्टिक ग्रोथ होती है एंड इन्फ्लेशन होती है उसको भी मल्टीपल चैनल के थ्रू इम्पैक्ट कर सकता है ठीक है ग्लोबल स्टैक्ट्लेशन होता है क्या है स्लो डाउन इन द ग्रोथ एंड इंक्रीज़ इन द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन ठीक है तो होता है क्या है कि जब आपकी ग्रोथ रेट हो जब वो कम हो जाए और जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है उसमें इंक्रीज़ देखने मिले अगला हमारा लोअर एक्सटर्नल डिमांड ड्रैग्स एक्सपोर्ट डिमांड एंड ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड ठीक है हायर ग्लोबल कमोडिटी प्राइस इंक्रीज द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अब बात है जब आपकी ग्लोबल लेवल पर हायर कमोडिटी प्राइस होगी है या फिर कॉमोडिटी की जो प्राइस होगी वो हायर होगी तो इसके कारण जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन होता है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो ही जाता है और इसको आप जो है डायरेक्ट में भी डाल सकते हो या फिर कॉस्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में भी डाल सकते हो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है इसको एक भाषा में समझ लीजिए एक से सॉरी एक सेकंड में समझ लीजिए देखिए जैसे मान लीजिए आप जो बिस्किट है आपको छः रुपये मिल रहा है ठीक है बनाने का कॉस्ट लग रहा है तो ऑब्वियस ओब्वियस बात है जब रिसोर्स आप छः रुपये का लगा रहे हो तो आप पाँच रुपये में थोड़ा ना बेचोगे हो सकता है जब आपका छः रुपये का आ रहा है तो आप दस में बेचोगे ताकि चार रुपये का आपका भी फायदा हो तो कहने का मतलब यह है कि जब आपको मजबूरी में आपका प्राइस जो है किसी प्रोडक्ट का वो इंक्रीज़ करना पड़े तो इसको कहते हैं कॉस्ट पोस्ट इन्फ्लेशन क्योंकि आपको जो बनाने में है उसको जो है पैसा ज़्यादा आया तो आप सोचोगे कि जितना आपकी लागत लगी एटलीस्ट उससे ज़्यादा ही कमाऊँ आप ठीक है हायर ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट द कैपिटल इन फ्लो पोर्टिंग डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द डोमेस्टिक करेंसी अब देखिए जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो इससे हमारी जो करेंसी है उस पर जो है क्या आता है बर्डन आता ही आता है फिर अगला हमारा प्रोविजन रिलेटेड टू द डिज़ाइन ठीक है सबसे पहला कि एनी चेंज इन द डिज़ाइन करेंसी नोट हैज़ बिन अप्रूव बाई आर बी आई सेंट्रल बोर्ड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है अगर मान लीजिए जो हमारी करेंसी है उसमें आपको कोई भी चेंज करना है उसके डिज़ाइन वगैरह में तो हमारी आर सेंट्रल बोर्ड और साथ ही साथ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे अप्रूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर बात करें कॉइनस की, ठीक है तो सबसे पहला कि कॉइन कौन, कौन किसके अंडर में इशू करता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है याद रखना आर रिलीज़ नहीं करती किसके अंडर में कॉयनेज एक्ट ऑफ 2011 के अंडर में जो हमारे कॉइन हैं वो रिलीज़ की जाते हैं अगर बात करें इशू की बैंक नोट की तो ये हमारा आर एक्ट ऑफ 1934 के अंडर में इशू करता है हमारा बैंक नोट ठीक है तो ये डिफरेंस जरूर याद रखना आर रिलीज़ करता नोट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है हमारे सिक्के ठीक है अब बात करते हैं हैंड बुक ऑफ स्टेटिस्टिक ऑन इंडिया स्टेट ठीक है रिलीज एनअली बाई आर बी आई सन दो हज़ार सोलह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ भी ना याद रहे तो ये जरूर याद रख लेना ठीक है इट कंटेन द कम्पेबल डेटा एट वन प्लेस फॉर द डिफरेंट स्टेट और ये क्या करती है डिफरेंट स्टेट के लिए जो कंपेरेबल डेटा है ये एक ही प्लेस पर कंटेन कर लेती है और इसमें क्या क्या डायमेंशन इंक्लूड होते हैं इकोनॉमिक सोशल डेमोग्राफिक ये बहुत सारे तरीके के डायमेंशन जो इसमें है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं इन करंट इन करंट एडिशन टू सेक्शन हेल्थ एंड एनवायरमेंट है तो अभी अगर बात करें करंट एडिशन की तो यहाँ पे हेल्थ और एनवायरमेंट का भी जो एडिशन है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है अब बात करते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफाइड जिसको एल आई एल ई आई बोलते हैं आर बी आई हैज एक्सटेंडेड द गाइडलाइन ऑन ली स्टैंड फॉर एल ई आई टू लार्ज बोरवर ऑफ एन बी एफ सी एंड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ठीक है ली क्या है इज द ट्वेंटी करेक्टर एल्फा न्यूमेरिक कोड ये क्या है ट्वेंटी करेक्ट है और न्यूमेरिक कोड है विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट ग्लोबल रेफरेंस फॉर द डेटा सिस्टम ठीक है तो कहने का मतलब ये कि किस क्या चीज़ कराने के लिए मदद करता है ये ग्लोबल रेफरेंस ऑफ डेटा सिस्टम है उसको क्रिएट करने में मदद करता है दैट इन यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी लीगल एंटिटी इन जुरिडिक्शन दैट अ पार्टी टू अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फिर अगला हमारा ली इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ़ फाइनेंशियल डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम ठीक है तो यह हमारे जो फाइनेंशियल डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में या फिर और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने में भी मदद करता है जिसके कारण जो हमारा रिस्क वेटेज मैनेजमेंट है उसको कम करन करने में, में मदद करता है या फिर रिस्क वेटेज जो है वो कम से कम होती है ठीक है क्लियर तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो खत्म करते हैं अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट प्लीज शेयर इट थैंक यू